जैसे कि आप देख रहे हैं सामने ये नाला, ये अभी से नहीं खुला हुआ, काफ़ी अर्सा हो गया इस नाले में खुले हुए, और अभी तक इसको ना बंद किया गया ना रोड को बंद किया गया, और काफ़ी अर्सा हो गया इस नाले में खुले हुए। ये मैं मेन आयशा मंजिल के ब्रिज के नीचे हूँ, और अभी देख सकते हैं नाला खुला हुआ है, रोड टूटा हुआ है। कल को कोई मामला होता है कि बारिश पानी की वजह से कोई यहाँ अंदर गिर गया तो कोई मुझे पता क्या होगा। आप देख सकते हैं सामने बांगड़ी बैठे हुए सारे जो इंटीरियर से आए हुए थे और यहाँ यहीं सोते हैं, और मुझे इनकी फिक्र ज़्यादा है क्योंकि ये रोड पर सो रहे होते हैं, और इनकी अकाउंटेबिलिटी खैर होनी चाहिए, इनको प्रॉपर जगह देनी चाहिए सोने की, ऐसे सोना अलाउ नहीं होना चाहिए। मगर ये अलग बहस है, मेन बहस ये है कि अक्सर यहाँ बच्चे सो रहे होते हैं। सामने आप वो देखिए कोटेक के नीचे जो है कोई बच्चा सो रहा है, इसी तरह सामने बच्चे सो रहे होते हैं। अगर बारिश होती है और ओवरफ्लो होता है नाला और बच्चा कोई अंदर गिर जाता है तो कौन इसका जिम्मेदार होगा। और आप देख सकते हैं कि पूरा रोड ख़राब हुआ हुआ है, इसकी खूबसूरती पूरी ख़राब हुई है। वाटर पम्प से अगर आप आ रहे हैं उल्टे आते हैं फलूसपुरी मार्केट है इलेक्ट्रॉनिक, वो पूरा देखिए पूरा टूटा हुआ है रास्ता, ये पूरा टूटा हुआ है। टूटने के बाद आप आगे जाइए तो पूरा ये नाला टूटा हुआ है, और जो कि एक अजीब ही कंडीशन दिखा रहा है। हालांकि मेयर कराची मुफ्ती वहाब साहब या वज़ीर आला मराद अली शाह साहब काम कर रहे हैं, उनका मैं अप्रिशिएट भी कर रहे हैं, मगर जहाँ लोग बोले उनको आप तनकीद का इसलाह बताएंगे, और यकीन शायद ये आपकी नज़र से ना गुजरा हो मगर आपके लोगों की नज़र गुजरा होगा कि काफ़ी अच्छे से रोड टूटा हुआ है। और आपको बताया कि सामने ही मेन नाला खान बना हुआ है, इधर जो है DHL के अभी कुछ ऑफिस बने, उसके सामने रोड टूटा हुआ है। इस नाले को जल्द से जल्द बनवाया जाए, रोड को बनाया जाए, और जो खूबसूरती है कराची की उसको दोबारा से रिकवर किया जाए। जैसे आप देख रहे हैं कि उसके नीचे नर्सरी बनी हुई अच्छी चीज़ है, और जिसे जो लोग रोडों पर सो रहे होते हैं उनके कॉन्ट्रीब्यूशन होनी चाहिए, उनको प्रॉपर जगह देनी चाहिए सोने की, यहाँ रोड पर कोई ना सोए। दूसरा ये कि इस तरह जो रास्ता नाला है इसको जो है फिर किया जाए, क्योंकि कुत्ता अंदर जो है लेटा हुआ है वो उसको मज़े आ रहे हैं, मगर बात सारी है कि ख़तरनाक चीज़ है, और इसको जो है नाले को जो है बंद करना चाहिए, रूट को बनाना चाहिए। कुत्ता बैठा हुआ है और वो नहाने में लगा हुआ है, और खैर सबका अपना एक मामला है। तो आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को टैग करें, मेयर काशि साहब को, KMC को, वज़ीर आला को, यंग लोगों को, ताकि नाला जल्द से बनाया जाए और जो आयशा मंजिल छुटकी उसको दोबारा किया जाए। तो मेन ये नाला है, उल्टे हाथ पे मुक्का चौक को जाते हुए रास्ते को बना हुआ है, सीधा जो है करीमाबाद का रास्ता जा रहा है, ऊपर जो है ब्रिज बना हुआ है आयशा मंजिल का, और ये रोड आ रहा है वाटर पम्प से, और वो सामने वाला रोड जा रहा है टायर वाला चौड़ी पर। तो ये सारा है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, और यहाँ जो है नाला जल्द से बंद करना चाहिए और रोड बनाना चाहिए। तो अब देखिए नहा के निकलिए कुत्ता, मगर मुझे बताए कौन इस नाले को बंद करेगा, कौन इस रोड को बनाएगा। तो गुजारिश है मेरी मेरे काशी मुख्य जवाब साहब से कि इस पर काम किया जाए और उसके नाले को बंद किया जाए, रोड को प्रॉपर करवाया जाए। अभी हालांकि कुछ अर्से पहले ही अच्छी शॉपिंग मॉल पे आग लगी थी, यहाँ काफ़ी लोग आना जाना हुआ है, तो रोड इस रोड को देखा नहीं है कि बाकी किसी ने। तो अभी गुजारिश है कि इस रोड को जो है जल्द से जल्द बनाया जाए, नाले को प्रॉपर बनाया जाए और बंद किया जाए। तो ये अपडेट कराची की जगह लेके आया और लाइव आपके मेरे चैनल से कराची की और जगह की अपडेट मैं लेके आऊँगा आपके सामने। यह आयशा मंजिल की अपडेट, कराची का बहुत ही मशहूर एरिया है, सेंट्रल एरिया में आता है, एलपी एरिया में के में आता है, सामने करीमाबाद के रास्ते जा रहा है, ऊपर आयशा मंजिल का ब्रिज है, सामने से टाइमिला चौधरी आ रही है, उल्टे हाथ पे मुक्का चौक को रास्ता जा रहा है, केराडी को रास्ता जा रहा है, यहाँ खड़ा नहीं हुआ जा रहा, बहुत ज़्यादा स्मेल है। तो ऐसी सूरत में दुकान वालों का जो काम है वो भी जो है एक दिन ख़राब हुआ होगा। तो यहाँ जो है नाला बनाना चाहिए, रोड बनाना चाहिए, और जल्द से जल्द इस नाले को बंद करके रोड डाल देना चाहिए। तो ये है गुजारिश आप कुछ मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिए, दुआ में रखिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।